नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। कुमार धोबी ओपी परिसर में गुरुवार की दोपहर आगामी ईद और रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ओपी प्रभारी पंकज कुमार और संचालन नागेंद्र कुमार ने किया। वहीं मुख्य रूप से ग्यारकुंड अंचल सीओ कृष्ण कुमार मरांडी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जगह जगह बिजली, प्राथमिक उपचार केंद्र, पेयजल आपूर्ति, कालीमंडा के समीप जमे कचरे की साफ सफाई और शराबियों पर नकेल कसने के लिए शराब दुकान पर नजर बनाए रखना, शांति समिति के सदस्यों के लिए बैच उपलब्ध कराना सहित कई मुद्दों को लेकर बातों को रखा गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह से हर वर्ष पर्व को भाईचारगी से मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी आपसी भाईचारगी से मनाएंगे, असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की विशेष नजर बनाए रखने की अपील की गई ताकि संभावित घटनाओं को रोका जा सके। इस पर सीओ, बीडीओ और ओपी प्रभारी ने सभी कमेटी सदस्यों को आश्वस्त किया कि इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से प्रशासन नजर रखेगी, असामाजिक तत्वों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। वही पानी को तीनों टाइम आपूर्ति करवाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में शिबलेबाड़ी, सलीका, संजय नगर, शिबलेबाड़ी, ऊपरकुली, बावरी टोली, नीचे धौड़ा, कुमार धोबी अखाड़ा के सदस्य उपस्थित हुए। मौके पर प्रखंड उपप्रमुख विनोद दास, प्रमोद झा, डीएन पाठक, मुन्ना यादव, जियाउल हुसैन, संजय यादव, संजीत यादव, पंचायत समिति सदस्य कुसुम दत्ता, पुरंजय शर्मा, रंजीत मोदी, अजय चौधरी, इरफान अहमद खान, रमेश पांडे, मोहम्मद कासिम, रंजीत मोदी, मिलन बावरी, कुमार दुबी, सवनी, पवन कुमार, रवि, कमलेश यादव, सुरेश देवगन, रोशन मिंज आदि मौजूद रहे। आगामी रामनवमी ईद को लेकर आज शांति समिति की बैठक कुमार दुबी ओपी प्रांगण में हुआ, जिसमें से शांति समिति के बहुत सारे मेंबर्स उपस्थित थे। और कल जिला में जो बैठक हुई थी शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक, वहाँ के मैसेज को ही हम लोग आज थाना शांति समिति की बैठक में रखे हैं। और हम किन बिंदुओं पे विशेष चर्चा हुई? विशेष चर्चा ये हुई है कि जो रूट है, रूट के चार्ट के आधार पर ही जुलूस वाले अपने जुलूस निकालेंगे और पुनः उसी रास्ते से वापस आएंगे। और जैसे बिजली का खंभा है, बिजली तार है, उस पर नजर रखेंगे। कच्चे बांस हैं, उसका हिस्सों झंडा के ये के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। और हमारे जो संजय जी हैं, उनको हिस्सों हम लोग निर्देश दिए हैं, तीन पंचायत के मुखिया को, वे जुलूस में जो निकलने वाले जो भी लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उनके लिए पेयजल का व्यवस्था करेंगे। अतिरिक्त कोष भी मंगाए जाएंगे? अतिरिक्त कोष मंगाने की जब नौबत आएगी तब मंगाया जाएगा। और हम लोग इस पर पैनी नजर रख रहे हैं, जैसे कोष की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग एसपी साहब से हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से वीके सलूजा की रिपोर्ट।